हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 28। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मतलब मैनिफेस्ट नहीं होते, मध्यावस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। जब मैं इस श्लोक को मैं स्टडी कर रहा था तो एक ऑथर ने ये कहा था कि निश्चय ने एक बार निश्चय अंधेरे में किसी झोपड़े में बैठा हुआ था और एक धीमी धीमी रोशनी से एक दिया जल रहा था। वहाँ पर रात में कोई पंछी आया सामने के दरवाजे से, सामने के द्वार से, उसने 2-3 चक्कर झोपड़ी के लगाए और फिर पीछे के द्वार से निकल गया। झोपड़ी के चारों तरफ बहुत घना अंधेरा था, सामने भी अंधेरा था, उसके पीछे भी अंधेरा था। केवल वो पक्षी आया वहाँ पे, उसने चारों तरफ झोपड़े के 2-3 चक्कर लगाए और पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। तो जीवन इसी तरह से है, पहले अव्यक्त था, पहले नहीं था, फिर हुआ और फिर उसके बाद में ख़त्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं। अब यहाँ बात 2 तरीके समझी जा सकती है, एक नास्तिक जो है और एक आस्तिक जो है। हम लोग मानते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा स्वयं एक अस्तित्व है, ठीक है। तो आत्मा ने अपने आप को व्यक्त किया इस शरीर के रूप में, कुछ समय तक वो रही, उसके बाद में शरीर छूटने के बाद में फिर से वो अव्यक्त हो गए। या जो नास्तिक लोग हैं वो इस तरह से समझ सकते हैं कि पहले जीवन अव्यक्त था, कुछ था ही नहीं, उसके बाद में ये जीवन आया और उसके बाद में ये खत्म हो गया, उसके बाद में कुछ बचा ही नहीं। तो शोक करने का कारण क्या है? अगर आत्मा पहले थी, आज व्यक्त है और बाद में अव्यक्त हो जाती है, तो शोक करने का कारण क्या है? और यदि कुछ पहले नहीं था और आज व्यक्त है और बाद में फिर कुछ नहीं हो जाएगा, तो फिर भी शोक करने का कारण क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं। यहाँ अब प्रश्न यहाँ उठता है कि क्या इस व्यक्त अवस्था में क्या हम उस अव्यक्त को जान सकते हैं जो इस जन्म के पहले था या इस जन्म के बाद हो जाएगा? क्या कभी आपने अपने आप से प्रश्न पूछा कि इस शरीर से पहले आप क्या थे या इस शरीर के बाद में आप क्या हो जाओगे? इस जन्म से पहले आप क्या थे, इस जन्म के बाद आप क्या हो जाओगे? माँ के गर्भ में आने से पहले आप क्या थे और ये शरीर छोड़ने के बाद में आप क्या हो जाओगे? क्या कभी आपने अपने आप से प्रश्न पूछा कि इस जीवन से पहले आप क्या थे और इस जीवन के बाद आप क्या हो जाओगे? कभी नहीं पूछा। इस जीवन के पहले आपका चेहरा कैसा था, इस जीवन के पहले आपका नाम क्या था, इस जीवन के पहले आप कौन थे, इस जीवन के पहले आप कहाँ थे, किस अवस्था में थे, कहाँ रहते थे, क्या कभी आपने सोचा? या ये जीवन खत्म होने के बाद आपका नाम क्या हो जाएगा, आपका चेहरा कैसा हो जाएगा, आप कौन हो जाएंगे, आप कहाँ चले जाएंगे, क्या कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। तो भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि जो पहले अव्यक्त था, प्रारंभ में अव्यक्त, अंत में अव्यक्त और केवल मध्य में व्यक्त, तो कैसे हम इसको जान सकते हैं? इस व्यक्त वाली कंडीशन में रह के हम उस अव्यक्त को कैसे जान सकते हैं जो पहले था और जो बाद में भी हो जाएगा? निश्चित ही हम उसे जान सकते हैं, तरीका है, यदि हम अपने भीतर उतरें तो। जितना हम भीतर अपने उतरेंगे उतना ही हम जान पाएंगे। एक वृक्ष के नीचे आप खड़े हैं, पत्ते हवा में हिल रहे हैं, सूरज की रोशनी पत्तों पर पड़ रही है, और यदि एक पत्ता चेतना से भर जाता है और सचेतन हो जाता है तो उस पत्ते को लगेगा कि मैं केवल अकेला हूँ, ये बाकी सब पत्ते अलग हैं, ये सब पत्ते अलग हैं, और उसका सोचना भी कोई गलत नहीं है, उसका सोचना बिल्कुल ठीक है कि कोई पत्ता पीला है, कोई पत्ता भी निकल रहा है, कोई पत्ता भी जवान है, कोई पत्ता भी बूढ़ा है, कोई पत्ता भी नीचे गिरा हुआ है। उसका सोचना भी ठीक है कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं एक अकेला हूँ, मैं इन सबसे भिन्न हूँ, उसका सोचना भी ठीक है। लेकिन अगर वो पत्ता अपने भीतर अगर वो उतरे तो क्या उस रसधार को ढूंढना मुश्किल है जहाँ से सारे पत्तों का जन्म हो रहा है? क्या उस डंडी को ढूंढने का कठिन है जिसमें सारे पत्तों का जन्म हो रहा है? अगर वो अपने भीतर उतरे तो उसको पता लगे
कि जहाँ से मुझे जीवन मिल रहा है, जहाँ से मेरी रसधार है, उन सब पत्तों को भी वहीं से जीवन मिल रहा है, वहीं से उनकी रसधार है। वो चाहे पत्ता भी बन रहा हो या बनने वाला हो, या वो जवान हो या बूढ़ा हो, या वो जो गिर चुका है नीचे, या हवा में जो उड़ गया है अभी, या जो मेरे पास में बिल्कुल पड़ोस में पत्ता खड़ा है, उसको ही वहीं से जीवन मिल रहा है। रंग अलग हो सकता है, नाम अलग हो सकता है, ऐसे ही हम हैं। हमारा रंग अलग हो सकता है, हमारा देश अलग हो सकता है, हमारी जाति अलग हो सकती है, हमारा धर्म अलग हो सकता है, लेकिन यदि हम अपने भीतर उतरें तो हम जान पाएंगे कि जो हम सभी के अंदर एक जीवन की रसधार बह रही है, वो कोई अलग नहीं है, वो एक ही है। यदि वो जो डंडी है, तो अगर वो डंडी अपने अंदर उतरे तो क्या ये मुश्किल हो जाएगा? वो डंडी भी सोचती होगी कि मैं अकेली हूँ, इंडिविजुअल हूँ। अगर वो डंडी भी अपने भीतर उतरे तो क्या जिस टहनी से वो जुड़ी हुई है वहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल है? नहीं है। वो भी देख पाएगी कि जितनी डंडियाँ उस टहनी से निकल रही हैं, सभी में से एक रसधार बह रही है। क्या उस टहनी अगर वो अपने भीतर उतरे तो क्या पेड़ को ढूंढ पाना बहुत कठिन है? यदि पेड़ भी अपने भीतर उतरे तो क्या उसको ढूंढ पाना कठिन है कि मुझे इस ज़मीन से सारी की सारी ऊर्जा मिल रही है, और जितने भी मेरे पेड़ हैं, वो चाहे किसी भी चीज़ का पेड़ हो, सभी को वहाँ से जीवन मिल रहा है, वही जीवन जो मेरे अंदर है, वही जीवन सेम वही तुम्हारे अंदर है, क्या उसको ढूंढना मुश्किल है? नहीं है। ये धरती भी अगर अपने भीतर उतरे तो क्या उसको भी ढूंढना मुश्किल है कि ये जो बाकी ग्रह हैं उन्हें भी शक्ति वहीं से मिल रही है जहाँ से मुझे मिल रही है? और ये पूरा सौरमंडल अगर अपने भीतर उतरे तो क्या इस आकाशगंगा को ढूंढना मुश्किल है? और क्या ये आकाशगंगा यदि अपने भीतर उतरे तो क्या उस बहुत बड़े समूह को ढूंढना मुश्किल है जहाँ पे सभी आकाशगंगाएं हैं? और यदि वो सभी आकाशगंगाएं अपने भीतर उतर जाएं तो क्या परमात्मा को ढूंढना कठिन है जहाँ से उन सभी को ऊर्जा मिल रही है? नहीं, कोई कठिन नहीं है। लेकिन हमारे केवल इतनी दिक्कत है कि हम हमेशा बाहर देखते हैं, कभी हमने वो नज़रें अपने अंदर नहीं घुमाई, कभी हमने आंखें बंद करके प्रयास नहीं किया अपने अंदर झांकने का, अपने अंदर खुद को ढूंढने का कि मैं कौन हूँ, मैं पहले क्या था, मैं बाद में क्या हो जाऊँगा। यदि हम वो ढूंढ लेते हैं तो मेरा मैं ख़त्म हो जाता है, और जितना हम सामने वाले को देखते जाते हैं उतना ही मेरा मैं बढ़ता जाता है। और सारे के सारे युद्धों का कारण यही है कि हम बाहर देखते हैं, हम दूसरे को देखते हैं, हम अपने भीतर तो कभी उतर के देखते ही नहीं है। और बड़े मज़े की बात है, जब हम अपने भीतर उतरते हैं तो मेरा मैं भी ख़त्म हो जाता है। फिर मुझे लगता है कि जो मैं हूँ वो ये है, वो ये है, वो सब है, मुझसे भिन्न कोई भी नहीं है। आखिरी में आप स्वयं को ही जानते हो कि मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण उसमें यही बता रहे हैं कि जो सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त थे, मध्य अवस्था में व्यक्त हो जाते हैं, विनष्ट होकर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, तो इसमें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही। परमात्मा सभी का भला करे।